दरभंगा सहित पूरे बिहार की पहचान बन चुकी ज्योति कुमारी के साहस को देश नहीं बल्कि विश्व भर में सराहा जा रहा है। इसी क्रम में एक और नाम वीवो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट दरभंगा का भी जुड़ गया है। ज्योति के संघर्ष व हौसले को सराहने के लिए वीवो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के मार्केटिंग व प्रमोशन हेड शाहिद अथर कंपनी के चेयरमैन व अल हिलाल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अहमद नसीम आरजू के निर्देश पर ज्योति के गाँव सिरहुली पहुँचे इंस्टीट्यूट के सेंटर हेड अहमद रशीद, आदेश कुमार, सिद्दीका खातून एवं मोहम्मद हम्माद आदि ने संयुक्त रूप से ज्योति को 5,000 की सहायता राशि प्रदान की। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सज्जाद अहमद के आदेश पर ज्योति कुमारी को एक पत्र प्रदान किया गया, जिसमें 12वीं के बाद उसके इच्छानुसार वीवो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में कराए जा रहे हैं किसी भी कोर्सेज में पढ़ने का पूरा खर्च मैक्सिमाइन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली वहन करेगी। वीवो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट इस तरह के कार्य करती रहती है। अभी हाल ही में लॉकडाउन एवं रमजान के पवित्र माह में भी बड़ी संख्या में लोगों को राशन, पैसा एवं मासिक देने का कार्य किया है, जो आगे भी होता रहेगा। इस कोरोना वायरस के दौर में जिस तरीके का काम हमारी दरभंगा की बेटी ज्योति कुमारी ने लॉकडाउन में जो परेशानी झेली है हरियाणा के गुरुग्राम में, और जिस इसने देखा कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी सामना करना पड़ा, इसने अदम साहस का परिचय देते हुए अपने पिताश्री को लेकर वो साइकिल से 1200 किलोमीटर दूर गुरुग्राम हरियाणा से दरभंगा आई, जिसके साहसिक कार्य के लिए हम उसे मैक्सिमाइन परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उसके आभारी हैं। उन्होंने बहुत अकल से काम लिया और अपने पिताश्री को वहाँ से लेकर चली आई। जैसा कि बता रही, इसके पास पैसे की कमी थी, पैसे नहीं थे तो भूखमरी के शिकार होने वाली थी, इससे अच्छा उसने समझा कि अपने घर लेकर चले जाता, इसलिए हम इसको दोबारा अपने परिवार मैक्सिमाइन परिवार और वीवो हेल्थ इंस्टीट्यूट की तरफ से हम इन्हें मुबारकबाद देते हैं। और डॉक्टर अहमद नसीम आरजू जो हमारे चेयरमैन हैं मैक्सिमाइन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के और फ्रेंचाइज पार्टनर भी हैं वीवो हेल्थ केयर के, इनके निर्देश पे आज मैक्सिमाइन परिवार जिसमें अहमद रशीद साहब, सिद्दीका खातून, आदेश कुमार, मोहम्मद हमाद और मैं भी खुद साथ में था जब यहाँ पे आके इनको मोमेंटो से और नगद राशि से और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। और मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी श्री सज्जाद अहमद साहब के आदेश पर वीवो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के तरफ से एक उनको ऑफर लेटर दिया गया है कि जब आईएससी कंप्लीट कर लेगी, आईएससी कंप्लीट करने के बाद वीवो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में जो भी कोर्स पैरामेडिकल का होता है उसमें जो भी चॉइस होगी, जो भी सिलेक्शन ये करेगी, उसके इसके इच्छानुसार इसको पढ़ाया जाएगा और उसका पूरा खर्चा जो है वो हमारी मैक्सिमाइन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली हमारी कंपनी वहन करेगी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वीवो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है क्या? वीवो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के जो गार्जियन है वो मैक्सिमाइंड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हम लोगों ने यहाँ पे हमारे डॉक्टर नसीम आरजू साहब और सज्जाद अहमद साहब लोग की निगरानी में यहाँ पे वीवो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट दरभंगा में खोला गया। चूंकि हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे सिर्फ डॉक्टर ही नहीं होते, डॉक्टर साथ बहुत सारे काम करने वाले होते, ऑपरेशन करने वाले होते, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, ऑपरेशन, ब्लड यूरिन जांच करने का होती है, सब चीज़ पढ़ाई होती है, तो जिसको पैरामेडिकल कोर्सेज कहा जाता है। तो वीवो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट यहाँ पे डॉक्टर आरजू साहब का हॉस्पिटल है, अलीलाल हॉस्पिटल जो करमगंज में नियर डॉन बॉस्को स्कूल है, उसके सेकंड फ्लोर पे हमारा इंस्टीट्यूट चलता है। इस इंस्टीट्यूट के अंदर हमारे MLT, रेडियोलॉजी, OT, GDA, विजन, डायलिसिस टेक्निशियन वगैरह कोर्सेज होते हैं जो हमारे बहुत शॉर्ट टर्म में कम टाइम में कोर्स करके कम पैसे में कोर्स करके आप अपना फ्यूचर स्टूडेंट बनाते हैं। और बनाने के लिए ये बहुत ही है, चूंकि मिथिला हमारा गरीब क्षेत्र है, हमारे यहाँ बाहर का भी संभावना रहता है, काल के साथ रहता है, पैसे के अभाव में बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाते, इंजीनियर नहीं बन पाते, ऐसे बच्चे जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, मेडिकल के शौक कर है, डॉक्टर के साथ काम करना चाहते हैं, वो ये कोर्स करके बहुत कम टाइम में अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं, बहुत कम फीस है। और आपको भी बता दें कि अभी जस्ट कुछ दिन बाद हमारे यहाँ स्कॉलरशिप हमने पिछले साल भी किया, लास्ट ईयर भी किया, इस साल भी करने जा रहे हैं, आशा स्कॉलरशिप नाम से करने जा रहे हैं, जिसमें हम एग्जाम लेंगे, रिटर्न एग्जाम लेंगे, जो बच्चे उसमें पास करेंगे उनके बहुत सारी उनको सहूलियत दी जाएगी, बहुत हद तक बहुत स्टूडेंट्स को फ्री पढ़ाया जाएगा, किसी को 90%, किसी को 75%, किसी को 50% भी जो है डिस्काउंट दिया जाएगा, बट ये अभी स्कीम बताया जाएगा, अभी हम लोग इसको आगे बताएंगे। आपका नाम क्या है? ज्योति कुमारी। आप कौन सी क्लास में? 9th में। आपकी उम्र क्या होगी अभी? 15 साल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो अभी अपने पापा को दिल्ली से लेकर आए हैं, वो आपके दिमाग में वो बात किस तरह आए? वही गरीबी सब देख के, मतलब मेरे पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं था और रूम से भी निकाल रहा था, वही सब देख के हमको अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से। तो आपको वहाँ से आने में कोई दिक्कत हुई? दिक्कत तो हुई, तब रफूला सा पार करना पड़ा, गाछी ब्रिज में आना पड़ा। मेन रोड होकर नहीं आई? मेन रोड में
आराम जो काची वगैरह में फिर खाना पीना रास्ते में फिर यूपी में सर देता था बिस्कुट पूरी सब्जी केला बिस्कुट छोटे वाले पार्ले जी वहाँ यूपी में बहुत सुविधा चीजें लोगों को दिया जाता है। आप ज्योति के क्या हैं? पापा हैं। तो आपकी बेटी जो आपको इतने बहादुरी से वहाँ से दिल्ली से आपको यहाँ लेकर आई हैं, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हमें तो उम्मीद भी नहीं था जो सर यहाँ तक हम पहुँच पाएंगे, लेकिन काफ़ी हिम्मत से काम है जो हमको यहाँ तक बचा कर लेके आई। बहुत खुश हूँ सर इस बात से जो हमारी बच्ची ने हमको सही सलामत घर तक छोड़ा। तो आपको आने में रास्ते में कोई दिक्कत या प्रशासन की कोई दिक्कत मिलता था? लेकिन लोगों को देख के लोग हम लोग उसी हिम्मत से हम लोग निकल जाते थे सर, क्योंकि काफी लोग रास्ते में पैदल साइकिल मोटरसाइकिल वाले लोग जाते थे। फिर आपका ऑटो क्या हुआ वहाँ? जो ऑटो था आपका, वो तो हम भाड़े पे चला रहे थे, किराए पे हम लिए थे, वो उसका चला रहे थे। तो आपको वहाँ आने में प्रशासन ने कोई कुछ बोला? प्रशासन लोग हेल्प किए, जिन लोग पैदल आए उन लोग को गाड़ी पे चला देते थे, खाने पीने के जहाँ भी प्रबंध हो वहाँ के लोगों में बैठ रोक के कहते थे भैया ये चीज़ खा लो पानी पी लो। बहुत कहीं कहीं पे हमारी लड़की को देखा चलाते हुए तो एक जगह रुका भी तो उसको मजा पानी भी खरीद दिया। इतनी लड़कियाँ हमें भी पूछा जी बेटा आप इतने बैठे हैं उतने वजनदार अभी लड़की चला रही है, मैं तो कहा सर मेरा पैर में डैमेज है इसी वजह से लेके लड़की जा रही है। तो कौन सा बाप की इच्छा है जो अपनी लड़की कम उम्र की लड़की को कहेगा जी बेटी तुम चलाओ हमें बैठ के सर जी। तो साइकिल का फोटो भेजो भाई। आपकी बेटी जो अभी ये मतलब पूरे भारत सरकार में इतना मतलब सम्मानित किया जाता है, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो सभी लोगों से धन्यवाद करते हैं कि हमारी बच्चियों को कम से कम आशीर्वाद दे के जाते हैं, मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। IIC कंप्लीट कर लेगी। IIC कंप्लीट करने के बाद वीवो हेल्थ इंस्टीट्यूट में जो भी कोर्स पारा मेडिकल्स का होता है उसमें जो भी चॉइस होगी जो भी सिलेक्शन ये करेगी उसके इसके इच्छानुसार इसको पढ़ाया जाएगा और उसका पूरा खर्चा जो है वो हमारी मैक्सिमाइंड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली हमारी कंपनी वहन करेगी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वीवो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है क्या? वीवो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट की जो गार्जियन है वो मैक्सिमाइंड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हम लोगों ने यहाँ पे हमारे डॉक्टर मनसिम आरजू साहब और सज्जाद अहमद साहब लोग की निगरानी में यहाँ पे एक वीवो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट दरभंगा में खोला गया। चूंकि हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे सिर्फ डॉक्टर ही नहीं होते, डॉक्टर साहब बहुत सारे काम करने वाले होते हैं, ऑपरेशन करने वाले होते हैं, अल्ट्रासाउंड एक्सरे ECG ऑपरेशन और ब्लड यूरिन जाँच करने के होते हैं, सब चीज़ पढ़ाई होती है, तो जिसको पारा मेडिकल कोर्सेज कहा जाता है। तो वीवो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट यहाँ पे डॉक्टर आरजू साहब का हॉस्पिटल है, अलीराल हॉस्पिटल जो करमगंज में नियर डॉन बॉस्को स्कूल है उसके सेकंड फ्लोर पे हमारा इंस्टीट्यूट चलता है। इस इंस्टीट्यूट के अंदर हमारे MLT रेडियोलॉजी OT GDA विजन डायलिसिस टेक्निशियन वगैरह कोर्सेज होते हैं। हमारे बहुत शॉर्ट टर्म में कम टाइम में कोर्स करके कम पैसे में कोर्स करके आप अपना फ्यूचर स्टूडेंट बनाते हैं और बनाने के लिए ये बहुत ही है। चूंकि मिथिला हमारा गरीब क्षेत्र है, हमारे यहाँ भारत का भी संभावना रहता है, काल के साथ रहता है, पैसे के अभाव में बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाते, इंजीनियर नहीं बन पाते, ऐसे बच्चे जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं मेडिकल के शौक कर है डॉक्टर के साथ काम करना चाहते हैं वो ये कोर्स करके बहुत कम टाइम में अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं, बहुत कम फीस है। और आपको तो बता दें कि अभी जस्ट कुछ दिन बाद हमारे यहाँ स्कॉलरशिप हमने पिछले साल भी किया, लास्ट ईयर भी किया, इस साल भी करने जा रहे हैं, आशा स्कॉलरशिप नाम से करने जा रहे हैं, जिसमें हम एग्जाम लेंगे, रिटर्न एग्जाम लेंगे, जो बच्चे उसमें पास करेंगे उनके बहुत सारी उनको सहूलियत दी जाएगी, बहुत हद तक बहुत स्टूडेंट्स को फ्री पढ़ाया जाएगा, किसी को 90% किसी को 75% किसी को 50% भी डिस्काउंट दिया जाएगा, बट ये अभी स्कीम बताया जाएगा, अभी हम लोग इसको आगे बताएंगे। आपका नाम क्या है? ज्योति कुमार। आप कौन से क्लास में? 9th में। आपकी उम्र क्या होगी अभी? 15 साल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो अभी अपने पापा को लेकर दिल्ली से लेकर आए हैं, वो आपके दिमाग में वो बात किस तरह है? वही गरीबी सब देख के, मतलब मेरे पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं था और रूम से भी निकाल रहा था, वही सब देख के हमको अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से। तो आपको वहाँ से आने में कोई दिक्कत हुई? दिक्कत तो हुई, तब रफूला से पार करना पड़ा, गाछी ब्रिज में आना पड़ा। तो मेन रोड होके नहीं आई? मेन रोड में आराम जो काची वगैरह में फिर खाना पीना रास्ते में फिर यूपी में सर देता था बिस्कुट पूरी सब्जी केला बिस्कुट छोटे वाले पार्ले जी वहाँ यूपी में बहुत सुविधा चीजें लोगों को दिया जाता है। आप ज्योति के क्या हैं? पापा हैं। तो आपकी बेटी जो आपको इतने बहादुरी से वहाँ से दिल्ली से आपको यहाँ लेकर आई हैं, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हमें तो उम्मीद भी नहीं था जो सर यहाँ तक हम पहुँच पाएंगे, लेकिन काफ़ी हिम्मत से काम है जो हमको यहाँ तक बचा कर लेके आई। बहुत खुश हूँ सर इस बात से जो हमारी बच्ची ने हमको सही सलामत घर तक छोड़ा।
तो आपको आने में रास्ते में कोई दिक्कत या प्रशासन से कोई दिक्कत तो मिलता था, लेकिन लोगों को देख के लोग हम लोग उसी हिम्मत से हम लोग निकल जाते थे सर, क्योंकि तो काफी लोग रास्ते में पैदल साइकिल मोटरसाइकिल वाले लोग जाते थे। फिर आपका ऑटो क्या हुआ वहाँ, जो ऑटो था आपका? वो तो हम भाड़े पे चला रहे थे सर, किराए पे हम लिए थे वो उसका चला रहे थे। तो आपको वहाँ आने में प्रशासन ने कोई कुछ बोला? प्रशासन लोग हेल्प किए, जिन लोग पैदल आए उन लोग को गाड़ी पे चढ़ा देते थे, खाने पीने के जहाँ भी प्रबंध हो वहाँ के लोगों में बैठ रोक के कहते थे भैया ये चीज़ खा लो पानी पी लो। बहुत कहीं कहीं पे हमारी लड़की को देखा चलाते हुए तो एक जगह रुका भी तो उसको मजा पानी भी खरीद दिया। इतनी लड़कियाँ हमें भी पूछा जो बेटा आप इतने बैठे हैं उतने वजनदार अभी लड़की चला रही है, मैं तो कहा सर मेरा पैर भी डैमेज है इसी वजह से लेके लड़की जा रही है, तो कौन साहब आपकी इच्छा है जो अपनी लड़की कम उम्र की लड़की को कहेगा जो बेटी तुम चलाओ हमें बैठ के सर जी। तो साइकिल का फोटो भी जो भाई आपकी बेटी जो अभी ये मतलब को पूरे भारत सरकार में इतना मतलब सम्मानित किया जाता है, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो सभी लोगों से धन्यवाद करते हैं कि हमारे बच्चे को कम से कम आशीर्वाद दे के जाते हैं, मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए।